हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक क्रेडिट। तो दोस्तों, चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन से नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आप अमेज़न से कैसे मूवीज टिकट बुक कर सकते हैं और बहुत सारा कैशबैक अर्न कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सीधा अपना अमेज़न का एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही अपना फ्रंट पेज आ जाता है, यहाँ पर आपको मोर वाले सेक्शन को ओपन कर लेना है। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। जैसे हम स्लाइड करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मूवी ट्रेवल टिकट। तो इस वाले ऑप्शन पे ही आपको मिल जाता है मूवी टिकट का आइकॉन। तो इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे हम इसको ओपन करते हैं, आपको पूरा लिस्ट मिल जाता है मूवीज़ का। यहाँ पर आप देख सकते हैं मूवीज़ ऑफ अमेज़न, यहाँ पर पावर्ड बाई बुक माई शो के तरफ से ये सब चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपको बैनर में मिल जाता है ऑफ़र। ऑफ़र के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में, यहाँ पे आप जो सिलेक्ट कर रहा है मैंने दिल्ली NCR, यहाँ पे आप क्लिक करके अपना सिटी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप मूवी सिनेमा आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो सिनेमा में अभी लगा हुआ होगा वो दिखाई देगा, और जो अभी आने वाला होगा मूवीज़ वो यहाँ पर दिखाई देगा। फिर इसको आप अगर स्लाइड करेंगे तो जो भी आपको मूवीज़ होगा वो सब दिखा देगा यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे आपको सिलेक्ट करना है, बुक करना है। तो जैसे यहाँ पे मैं मूवीज़ को ओपन कर लेता हूँ, जैसे मुझे ये बुक करना है तो इसको मैंने ओपन कर लिया। इसके बाद इसको हमें इस पर आपको पूरा डिटेल मिल जाता है, स्टोरी के बारे में, कास्ट, क्रू, ये सब मिल जाता है। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलता है बुक नाउ। बुक नाउ पर क्लिक करने के बाद नया अपना पेज ओपन हो जाता है। तो इस पेज पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर डेट का सबसे पहले ऑप्शन मिल जाता है, फिर उसके बाद सिनेमा और एरिया का मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने दिल्ली NCR रीजन सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आपको शहर वाइज भी यहाँ पे दिखा देता है। जैसे गाज़ियाबाद में है ये सिनेमा हॉल, ये है पालम बिहार। तो इस तरह से आपको ये सब दिखा देता है। फिर इसी में एक और चीज़ आपको सिलेक्ट करना है, जैसे आपको डॉल्बी वाला पसंद है या फिर 4K पसंद है तो वो आप कैसे बुक कर सकते हैं। तो जैसे नॉर्मल स्क्रीन होगा तो आपको इस तरह का दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे सिर्फ टाइमिंग दिखा रहा है, तो ये सब आपका नॉर्मल स्क्रीन है। यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अगर आपको डॉल्बी सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा टाइम के नीचे ही डॉल्बी लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सब में दिख रहा है। और अगर आपको ऐसे ही 4K पसंद है तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4K नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका रहता है सिनेमा हॉल का नाम और यहाँ पे लोकेशन, तो उसको चेक कर लेना एक बार आप। फिर उसके बाद जैसे हम स्लॉट बुक करते हैं अपने टाइमिंग के हिसाब से, आपका एक टर्म्स एंड कंडीशन ओपन हो जाता है। ये टर्म्स एंड कंडीशन वैरी होते रहता है। किसी हॉल में आपको 5 टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, किसी में 8, किसी में 10। तो यहाँ पर मेनली आपको बताया जाता है कि बैगेज अवेलेबल है या नहीं, कितने का, अगर आपका चिल्ड्रेन है तो 3 या उससे ज़्यादा पर आपको टिकट लगेगा, या फिर 5 या उससे ज़्यादा पर, ये सब लिखा रहता है। बाकी आपको बाहर से क्या क्या लेकर जा सकते हैं या नहीं, ये सब आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक बार टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना है जब भी आप बुक करें। इसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक गोल्ड वाला, एक प्लेटिनम वाला। गोल्ड वाला का प्राइस आपको देख सकते हो 270 रुपये, नीचे आपको बताएगा अवेलेबल है सीट या नहीं। फिर प्लेटिनम वाले में भी आपको वैसे ही 500 रुपये हैं, और यहाँ पे आप सीट बुक कर सकते हो जितने चाहो। तो उसके बाद मैं जैसे एक सिलेक्ट कर लेता हूँ और प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ, तो आपको ऊपर यहाँ से दिखने को मिल जाता है कि कौन सा प्लेटिनम सीट है। तो ये रो आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, आपको सब प्लेटिनम सीट है ये वाला। फिर ऐसे ही आपको गोल्ड सीट मिल जाता है, ये सब आपको गोल्ड सीट में आ जाता है। यहाँ पे 270 रुपये प्राइस है, और यहाँ पे आप देख ही सकते हो जो बुक हो चुका है वो ग्रे रंग का हो जाएगा, ग्रे कलर का, और जो वाइट कलर का है वो सब अभी खाली है। तो जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो मुझे जो सिलेक्ट करना है वहाँ से आपको ग्रीन हो जाएगा, तो ग्रीन हो जाता है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर आपको 270 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं। इसको प्रोसीड कर ले रहे हैं। प्रोसीड करने के बाद अपना नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे पेमेंट से पहले एक बार रिव्यू करता है। रिव्यू में आपको टिकट का प्राइस प्लस इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज लगा के 307 रुपये प्राइस हो जाते हैं। इस पर आपको यहाँ से आप मोबाइल नंबर और उसमें ईमेल दिया हुआ है, क्योंकि जितना भी आप मोबाइल नंबर या ईमेल डालोगे उसी पर आपका
मूवी का डिटेल जाएगा कि आपको कब से कब आना है, ये सब टाइमिंग वगैरह की सब कुछ वहाँ पे जानकारी जाएगी। फिर यहाँ से अगर आप चाहो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप मोबाइल नंबर और यहाँ से ईमेल चेंज करके प्रोसीड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, फिर यहाँ पे आप आई अंडरस्टैंड करके पेमेंट के लिए प्रोसीड कर लेंगे। तो जैसे आप पेमेंट के लिए प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट आपका अमेज़न पे वाला पेमेंट ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑप्शन ऑफ़र का, तो यहाँ पे ऑफ़र में आपको चेक कर सकते हैं, 5 ऑफ़र कुल अभी हैं यहाँ पे, ये और प्लस 4 और हैं। तो प्लस 4 के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं किस में ज़्यादा कैशबैक मिल रहा है, लेकिन जो कैशबैक ज़्यादा रहता है वही अक्सर आपको ऊपर सिलेक्ट किया हुआ रहता है। तो यहाँ पे चलिए एक सिलेक्ट हो गया 100 रुपये का कैशबैक। यहाँ पे आपको ऑप्शन में बहुत सारे मिल जाते हैं, ATM से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या फिर UPI से। तो यहाँ पे मैं अमेज़न पे जैसे कर लेता हूँ और यहाँ पे पेमेंट करता हूँ तो आपको दिखा देता हूँ। तो फिर यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, अमेज़न पे UPI डाल देता हूँ, जैसे मैं आपको पेमेंट करना है अमेज़न पे से या फिर किसी UPI से, तो यहाँ पे वेरीफाई करके आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करते हो, यहाँ पे पेमेंट वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है और ऊपर की तरफ से एक आ जाता है रिक्वेस्ट, जिससे आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाके इसको पेमेंट करना है। जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑप्शन ओपन कर लिया है, यहाँ पे आप पे कर सकते हैं और अगर डिक्लाइन करना है तो डिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो मुझे अभी डिक्लाइन करना है तो मैं डिक्लाइन कर देता हूँ यहाँ से, लेकिन आप फाइनल पेमेंट करके मूवी का टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना।